अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हो आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान. वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशेंट. आज की हमारी हदीस है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है. यह हमारी आज की हदीस है. मुसलमान ख्वाह औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, गरीब हो या अमीर, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज करार दिया है. तो हमें अपनी तालीम पर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. टुडे इज़ अ लेक्चर नंबर 18 एंड लेक्चर नंबर 18 इज़ फ्रॉम योर रीडिंग बुक. एंड द टॉपिक ऑफ आर टूडेज लेक्चर इज़ पोल्यूशन. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पोल्यूशन क्या है. व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन इज़ व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. जब नुकसानदेह मादे माहौल को आलूदा करते हैं तो उसे आलूदगी कहते हैं. हम लोगों ने जैसे कि अपने पहले लेक्चर में भी पोल्यूशन के बारे में सारा इसको ब्रीफली डिस्कस किया था कि पोल्यूशन जो है पोल्यूशन एडिशन है अज्जा का जो हवा में शामिल हो जाते हैं और बैडली इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मेंटली और फिज़िकली. और ये अज्जा जब हवा में और ज़मीन में शामिल हो जाते हैं तो माहौल पर बुरा असरात जो हैं वो मरतब करते हैं. हम पोल्यूशन जो है वो मॉडर्न एज की ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैलती जा रही हैं. और हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है उसमें गंदगी का आंसर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है. किस वजह से? क्योंकि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन जो है उसके बाद इमेंस इम्पैक्ट हुआ है इन्वायरमेंट पर लोगों का. और उससे क्या हुआ है कि जो हमारी सिटीज़ थी वो लार्ज और क्राउडेड सिटीज़ में चेंज हो गई हैं. इंडस्ट्रीज़ के आने से जो है वो पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एयर पोल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ व्हीकल जो हमारे यहाँ पर चलते हैं उसका धुआँ, डस्ट और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो पॉइजनस गैसेज हैं वो जब हवा में शामिल होती हैं, स्मोक हवा में शामिल होता है, तो उससे वो धुआं जो है वो हमारे हमारे तक पहुंचता है. और ये एयर पोल्यूशन जो है वो जब हमारे तक पहुंचती है तो वो ह्यूमंस और प्लांट्स उन सबके ऊपर जो है वो बहुत बैड इफ़ेक्ट करती है. धुआं, काला धुआं जो बसेस में से निकलता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है. पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकती है. किस तरीके से? स्पेशल जो हैं डिवाइसेस के थ्रू जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. यानी फैक्ट्रीज में ऐसी डिवाइसेस लगा दी जाएं जो पॉइजनस गैसेस को रिमूव कर दें और हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करने से पहले उनको रिफ़ाइन कर लें. तो इससे जो कोल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसकी वजह से जो है बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं. तो उसमें गैस के यूज़ की बजाय जो है अगर इसमें जो है वो लोग कोल यूज़ कर रहे हैं जिससे धुआं निकलता है और उससे एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. एयर जो है वो पोल्यूटेड होती है. तो अगर हम जो हैं इनका इस्तेमाल कम से कम कर दें तो एयर पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था, हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन? हम हवाई आलूदगी को कैसे काबू कर सकते हैं? गैस, electricity and other sources of energy should be used instead of coal and other fossil fuels. कोयला और ईंधन के बजाय गैस, बिजली और तवानाई के दीगर ज़राया इस्तेमाल किए जाने चाहिए. Trees should be planted in the cities and towns to reduce air pollution. फिजाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए शहरों और कस्बों में दरख्त लगाने चाहिए. अब जो है वो हम अपनी रीडिंग का स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 6 से. पहले जो है हम लोगों ने एयर पोल्यूशन डिस्कस की थी, अब जो है हम वाटर पोल्यूशन जो है उसको डिस्कस करेंगे. वाटर पोल्यूशन क्या है? पानी की आलूदगी. ठीक है, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पार्ट इन टू स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स.
आबी आलूदगी कई इकसाम की घरेलू और सनती फजलात को नदियों, दरियाओं और झीलों में फेंकने से होती है। इट मे कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये जानवरों और पौधों की बाकियात पर मुश्तमिल हो सकता है जो पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की मकदार कम करके बैक्टीरिया की नशोनुमा बढ़ाते हैं। द पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। आलूदा पानी मछली और दूसरी आबी मखलूक को तबाह कर देता है। अब जो है हम इसमें जो हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको जो है वो राइट करेंगे। आप अपने नोटबुक्स जो हैं उनको अपने पास रखें और वर्ड्स मीनिंग को साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डोमेस्टिक। फर्स्ट वर्ड क्या है? डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक का मीनिंग है घरेलू। सेकेंड वर्ड है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मीनिंग है झील। उसके बाद थर्ड वर्ड है रिमेन्स। रिमेन्स का मीनिंग है बाकियात, यानी जो पीछे रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मीनिंग है? नशोनुमा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मीनिंग है कम करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसॉल्व। डिसॉल्व का मीनिंग है हलशुदा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मीनिंग है आबी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक, घरेलू, स्ट्रीम, झील, फिर है रिमेन्स, बाकियात, ग्रोथ, नशोनुमा, रिड्यूसिंग, कम करना, डिसॉल्व्ड, हलशुदा, एक्वेटिक, आबी। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। आबी आलूदगी की क्या वजूहात होती हैं? वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय मेनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट विच आर पॉर्ड इन टू स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स। इट मे कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आबी आलूदगी कई इकसाम का घरेलू और सनती फजला दरियाओं, नदियों और नालों में फेंकने से होती है। इसमें मुर्दा जानवरों और पौधों के बाकियात होते हैं। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 7 है जिसमें है कि सीवेज इज एन अदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। घरों से निकास किया जाने वाला नाकिस मवाद पानी की आलूदगी की एक और बड़ी वजह है। Many cities still continue to pour their sewage directly into rivers. कई शहर अब भी घरों का नाकिस मवाद बराह रास्त दरियाओं में बहाते हैं।
This causes cholera, typhoid and other diseases to the population which uses this water. ये आलूदा पानी ऐसी आबादी के लिए जो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं हैज़ा और टाइफाइड जैसी बीमारियां पैदा करने का बाइस बनता है। अब पैराग्राफ नंबर 7 में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं हम उनको लिखेंगे, आप उनको साथ साथ अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते जाएं। इसमें वर्ड है हमारे पास सेविज, और सेविज का मीनिंग है आलूदगी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कोलरा, ये डिजीज है। कोलरा का मीनिंग है हैज़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिजीज। डिजीज क्या है? बीमारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 8 है, वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इफ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट रिलीज्ड इन द फ्रेश वाटर। पानी की आलूदगी को रोका जा सकता है अगर मरे हुए जानवरों और पौधों की बाकियात को ताज़े पानी के ज़राया में ना छोड़ा जाए। Sources and sewage is fully treated before releasing it into rivers or lakes. और गंदगी को पूरी तरह आलूदगी से साफ करके इसको झीलों और दरियाओं में छोड़ा जाए। अब पैराग्राफ नंबर 8 में जो हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड का मीनिंग है रोका। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिलीज्ड। रिलीज्ड का मीनिंग है छोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सोर्सेज। सोर्सेज का मीनिंग है जरा। ठीक है, उसके बाद देखें एक बार इनको अगेन हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है सेवेज, सेवेज है आलूदगी। नेक्स्ट है कोलरा, हैज़ा, डिजीज बीमारी, प्रिवेंटेड रोका, रिलीज्ड छोड़ा, सोर्सेज ज़राए। वाटर पोल्यूशन क्या है? पानी की आलूदगी। हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो केमिकल्स का काम करती हैं, डाइस का काम करती हैं, तो उनका पानी रॉ मटेरियल होता है, यानी उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो बाकियात होते हैं उनको क्या करते हैं वो लोग के नालों में, नदियों में और ज़मीन में उनको फेंक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खेत में जब उनको बहा दिया जाता है तो उससे वाटर पोल्यूशन होती है। पानी में जब पानी जब ज़मीन के अंदर जाता है तो उस एक्सट्रैक्ट से जो है वहाँ पे बदबू पैदा हो जाती है, उसमें गुदलापन आ जाता है, तो वो बैक्टीरिया को जन्म देता है, तो इससे बहुत सारी डिजीजेस पैदा होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं और आबी ज़िंदगी के लिए यानी मछलियों के लिए जो समुद्रों में और दरियाओं में रहती हैं उनके लिए भी ये खासा नुकसानदेह है। तो हमें इसे कंट्रोल करने के लिए सीवेज का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो उसमें मिक्स ना हो सके और इन डिजीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकें। सीवेज का निज़ाम अगर अच्छा होगा तो उससे क्या होगा कि
अच्छा पानी अगर हम इस निज़ाम को बेहतर करते हैं तो जो गुदला पानी, गंदा पानी है वो एक तरफ रह जाएगा और साफ पानी जो है वो एक तरफ रह जाएगा। तो हमें इसको ठीक करने के लिए जो है वो इन बीमारियों को रोकना होगा और इसको कंट्रोल करना होगा पोल्यूशन को। अब हमारे पास पैराग्राफ नंबर 9 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉइस पोल्यूशन के, शोर की आलूदगी क्या है। नॉइस पोल्यूशन इज बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस। इस मशीनी इजादात के दौर में शोर की आलूदगी बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। इट्स मेजर सोर्सेज आर द वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, जेट एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर्स, हवाई जहाज, इसकी बड़ी ज़राए वर्कशॉप्स जो हैं रेलगाड़ियाँ, कारें, जेट, हवाई जहाज़, ऊंची आवाज़ में बजाए जाने वाले रेडियो, टीवी की नशरियात और लाउड स्पीकर्स हैं। वर्कशॉप्स का जो है इसमें बहुत ज़्यादा मेन करैक्टर है। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसमें फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मैकेनिकल। मैकेनिकल का मीनिंग है मशीनी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्वेंशंस। इन्वेंशंस का मीनिंग है इजादात। उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल का मीनिंग है मोटर गाड़ी। उसके बाद है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मीनिंग है नशरियात। ठीक है, अब हम पैराग्राफ नंबर 10 जो है उसकी रीडिंग करेंगे। नॉइस प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। शोर की आलूदगी की वजह से हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत पर बेशुमार मुजर असरात मरतब होते हैं। इट डिस्टर्ब स्लीप्स एंड लीड्स टू मैनी नर्वस प्रॉब्लम्स। ये आपकी नींद में खलल और कई असाबी मसाइल को पैदा करती है। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द एयर ड्रम। अचानक शोर आपके कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है एंड मे कॉज टेम्प्ररी और परमानेंट डेफनेस, और इससे आरजी या मुस्तकिल बहरापन वाकया हो सकता है। अब हम पैराग्राफ नंबर 10 के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्मफुल। फर्स्ट वर्ड है हार्मफुल। हार्मफुल का मीनिंग है नुकसानदेह। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मीनिंग है असरात। नेक्स्ट वर्ड है नर्वस। नर्वस का मीनिंग है
असाबी उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बस्ट बस्ट का मीनिंग है शोर उसके बाद वर्ड है एक्यूट एक्यूट का मीनिंग है शदीद उसके बाद है एयर ड्रम एयर ड्रम क्या है कान के पर्दे ठीक है और नेक्स्ट वर्ड है टेम्पररी टेम्पररी का मीनिंग है आरजी उसके बाद वर्ड है परमानेंट परमानेंट का मीनिंग है मुस्तकील उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास डेफनेस डेफनेस का मीनिंग है बहरापन ठीक है फर्स्ट वर्ड है बर्स्ट शोर एक्यूट शदीद एयर ड्रम कान के पर्दे टेम्पररी आरजी परमानेंट मुस्तकिल डेफनेस बहरापन ठीक है इसमें हमारे पास लास्ट पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन आवर हेल्थ शोर के हमारी सेहत पर क्या असरात हैं नॉइज प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इट डिस्टर्ब्स आवर स्लीप एंड कॉजेज नर्वस प्रॉब्लम सडन बर्स्ट ऑफ नॉइज कैन कॉज डैमेज टू द एयर ड्रम इट मे कॉज टेम्पररी और परमानेंट डेफनेस शोर हमारी जिस्मानी और असाबी सेहत पर असरअंदाज हो सकता है नींद में खलल और असाबी मसाइल पैदा होते हैं अचानक शोर से कानों के पर्दे भी फट सकते हैं इससे आरजी या मुस्तकिल बहरापन भी हो सकता है अब हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 11 इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ नॉइस पोल्यूशन सनत और इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद दौर में शोर की आलूदगी से पीछा छुड़ाना तकरीबन नामुमकिन है हाउएवर देयर आर वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस टू अ मॉडरेट लेवल तहम ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से शोर की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम किया जा सकता है अब इसमें जो हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसमें है गेट रिड ऑफ गेट रिड ऑफ इसका मीनिंग है पीछा छुड़ाना उसके बाद वर्ड है इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मीनिंग है शिद्दत और एक लास्ट वर्ड है मॉडरेट मॉडरेट का मीनिंग है मुनासिब ठीक है इसमें क्या है कि आवाज़ की पोल्यूशन हमें तंग करती है फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के बाहर जब आप स्कूल में मौजूद हों बाहर बहुत सारे हॉर्न्स बज रहे हों और उससे इंटरप्शन होती है हमारी स्टडीज़ में हम पढ़ नहीं पाते हैं तो
ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इससे बचने के लिए मोस्टली आपने देखा होगा कि रोड्स पे साइन होते हैं, वहाँ पे हॉर्न्स लिख के उसके ऊपर स्लैश लगा दिया जाता है, मीन नो हॉर्न्स का साइन जो है वहाँ पे दिया जाता है, ताकि गैदरिंग ना हो, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन जो है वो बढ़ती है या इंक्रीज होती है। तो हमें वॉइस पोल्यूशन जो क्रिएट होती है उसको रोकने के लिए जो है ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है कि हम उससे बच सकें और जो है हमारा हमारे सराउंडिंग जो है वो उससे इफ़ेक्ट ना हो। तो आप लोगों ने रीडिंग को गौर से सुनना है सब बच्चों ने, और साथ में अपनी नोटबुक्स रखें, अपनी बुक्स रखें और साथ साथ वर्ड्स मीनिंग लिखते जाएं, उनको नोट डाउन करते जाएं, और नेक्स्ट डे आपकी जो होम स्कूल ऑनलाइन होम स्कूलिंग की क्लास होगी उसमें आप जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती है वो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।